नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो अभी परेशानी चल रही है उसकी वजह से भारत में एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने वाली है जो कि अब दिखने लगा है, और उसके साथ ही कुछ भारत के लिए अच्छी चीज़ें भी हैं जो भारत के लिए दिख रही हैं कि ये अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो भारत के लिए परेशानी क्रिएट होने जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश ये करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, और अभी वहाँ पे जिस हिसाब से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बांग्लादेश में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ अभी जो रूल है वो सेना का रूल है, सेना वहाँ पर राज कर रही है। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो आवामी लीग थी जो शेख हसीना की थी, और शेख हसीना बांग्लादेश से निकल कर के इस वक्त इंडिया में है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि वो इंडिया से निकल कर किस देश में शरण लेती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे पार्टी थी उसका नाम था BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब ये समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको तो इन्होंने सत्ता से हटा दिया, अब वहाँ पे जो दूसरे नंबर की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, अब जब भी चुनाव होंगे ये मान के चलिए कि ये चुनाव को जीतेगी और इसी का प्रधानमंत्री बनेगा। जो अभी इस पार्टी के प्रमुख हैं उनका नाम है खालिदा जिया। ये पूरी तरीके से भारत के एंटी हैं, यानी कि भारत को ये अपना दुश्मन मानती हैं। ये प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है, मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये चाइना और पाकिस्तान की कठपुतली हैं। तो इन्होंने खुलेआम भारत को एक धमकी दे दी है, और वो धमकी ये है कि भारत अगर बांग्लादेश के दुश्मनों को मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो बांग्लादेश किसी भी तरीके से भारत से संबंध नहीं रखेगा और वो भारत के लिए बहुत ही बुरा रहेगा। इन्होंने इस तरह से एक धमकी दी है कि ये भारत को तकलीफ़ दे देंगे। अब दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि ये तकलीफ़ किधर से देंगे। तो दोस्तों इन्होंने पहले बताया कि एक तो ये जो पश्चिम बंगाल है इंडिया का, यहाँ पे स्टेबिलिटी को ये सेक कर देंगे, वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे उत्तरी पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पे ये परेशानी पैदा करेंगे। तीसरी जो म्यांमार है, यानी कि जिसको बर्मा बोला जाता था, अब म्यांमार है, वहाँ पर ये तीसरे साइड पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे इंडिया के लिए। ये इनका कहना है, ये समझ लीजिए कि इन्होंने अब धमकी दे दी है खुलेआम, ये आधिकारिक तौर पे बोला गया है। ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। तो वहीं दोस्तों एक दूसरी डेवलपमेंट ये रही कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने पहली बार ट्वीट किया है, और उसमें साफ इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, हिंदू। ये प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये इस वर्ड से और इस तरह की चीज़ों से अभी तक बचते चले आए हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया है कि इंडिया ये इंश्योर करता है, मतलब इंडिया ये एक तरह से हिंदू और अल्पसंख्यक के साथ जो बुरा हो रहा है उसको ये इंश्योर करते हैं कि उनके साथ बुरा नहीं होगा, भारत उनकी मदद करेगा इन लोगों की, कौन, हिंदू और अल्पसंख्यक। ये पहली बार बोला है, नहीं तो अभी तक प्रधानमंत्री जी इन शब्दों से बचते रहे हैं कि पता नहीं उसका क्या गलत मतलब निकाल लिया जाए। तो एक ये भी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अब डायरेक्टली बोला है तो ज़रूर अब कुछ ना कुछ उस पर कदम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अभी क्या है कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जबकि उनका जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था, जो हिंसा स्टार्ट हुई थी, प्रदर्शन स्टार्ट हुए थे, वो तो हिंदू और मुसलमान को लेकर था ही नहीं, वो तो आरक्षण को लेकर था, और शेख हसीना को वहाँ की प्रधानमंत्री सीट से हटाना था, इस्तीफा लेना था, तो वहाँ पर तो शेख हसीना को हटा दिया गया। लेकिन जब वो हटा भी दिया गया उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो इन्होंने हिंदुओं को मारा, उनका घर जलाया, चाहे वो पैसे वाले हों या गरीब हो, तो इस तरह की चीज़ें करी हैं। इसके बाद दोस्तों एक तीसरी चीज़ और है, बांग्लादेश अब जिस हिसाब से डिरेल हो गया है, वो अपनी विकास की जो गति थी उसको अब लगभग वो खो चुका है, ये मान लीजिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी,
वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल में। तो अब जो ये मतलब एक स्टेबिलिटी को खो दिया बांग्लादेश ने, अब ये भारत के टेक्सटाइल मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये मान लीजिए कि बांग्लादेश जो अपना स्पेस अब छोड़ता जाएगा, वो इंडियन कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी वो स्पेस को कैच करने के लिए। वो जहाँ पर अब बांग्लादेश पीछे हटेगा टेक्सटाइल मार्केट में, वहाँ भारत की कंपनियों को मौका मिलेगा, भारत की कंपनियाँ उस मौके को ग्रैब करके आगे भी बढ़ेंगी। तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है व्यापार के नज़रिए से, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे एक एंटी सरकार आने जा रही है हमारे बगल में ही। तो अब भारत के लिए समस्या की एक जगह और बढ़ गई। पहले ही भारत के पास कई समस्याएं थीं, जैसे कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, अब तीसरी तरफ एक ये बांग्लादेश भी आ गया। और तो और आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि कभी नेपाल हमें आँख दिखाने लगता है, कभी वो अपना नया मैप लेकर आ जाता है, तो कहीं श्रीलंका भी हमें आँख दिखा देता है, कभी हमारे मछुआरों को पकड़ लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। तो ये इस वक्त भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, ये सिचुएशन है कि कैसे भी करके इनसे अच्छे से निपटे। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।